नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है। उमर के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उमर ने कुपवाड़ा में बातचीत के दौरान बताया कि अगर कश्मीर घाटी में वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी दावा करती है कि वो सरकार बना लेगी। उमर ने कश्मीर की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर हम चाहते हैं कि बीजेपी कश्मीर में ना आए तो हमें समझदारी के साथ वोट करना होगा। हमें अपने वोटों को बंटवारे से रोकना होगा। आपको बता दें कि वोट बंटने का डर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं बल्कि ये डर पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती को भी सता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंजीनियर राशिद हैं, जो बीते दिनों पहले जमानत पर बाहर आए। इंजीनियर राशिद बारामूला से सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में राशिद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2,00,000 वोटों से अंतर से हराया था। महबूबा का डर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने एक जनसभा के दौरान इंजीनियर राशिद को बीजेपी का प्रॉक्सी तक बता डाला। उन्होंने कहा कि राशिद की वजह से कश्मीर में वोटों का बंटवारा हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। सत्ता में आने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि इस चुनाव से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियों का सियासी भविष्य तय होना है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई थी तो वहीं उमर अब्दुल्ला को भी जीत मयसर नहीं हुई। लेकिन वोटिंग से पहले उन्हें कश्मीर घाटी में वोटों के बंटने का डर सभी राजनीतिक दलों को सता रहा है। कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा की 47 सीटें आती हैं। इसे पीडीपी और एनसी का गढ़ कहा जाता है। एनसी पीडीपी के गढ़ में सेंध लगाने का प्लान एआईपी के नेता इंजीनियर राशिद ने तैयार किया है। अंतरिम जमानत पर बाहर आए इंजीनियर राशिद ने कश्मीर क्षेत्र की 20 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राशिद का फोकस युवा वोटर्स पर है। उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप, राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी उन्होंने वादा किया है। राशिद 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे और चुनाव में प्रचार करेंगे। ऐसे में राशिद की रिहाई उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को वोटों के गणित में उलझा सकती है। दोनों ने ही राशिद की रिहाई पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत में चुनावी गेम दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत मिली है। इंजीनियर राशिद की पार्टी अगर अपने टारगेट के आसपास भी पहुंचती है तो एनसी और पीडीपी के सत्ता हासिल करने के सपने पर पानी फिर जाएगा। 2014 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कश्मीर घाटी में पीडीपी के खाते में 25 और एनसी के खाते में 12 सीटें आई थी। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी, अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर क्षेत्र की सभी 43 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी ने यहां की 37 सीटों पर जीत करने का टारगेट रखा है। ये वो क्षेत्र जिसमें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। परिसीमन के बाद यहां 6 सीटें बढ़ गई हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू विधानसभा सीटों का अनुपात 42.5% से बढ़कर 47.8% हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में 52.9% से घटकर 52.2% पर आ गया है। इसके केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू को हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है। डोडा, पुछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। पुराना विधानसभा में इन जिलों से में 13 सीटें भी हैं, शेष 14 हिंदू बहुल जम्मू में थी। जम्मू की 6 नई सीटों में से 3-3 सीटें मुस्लिम और हिंदू बहुल इलाकों में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का न केवल घाटी बल्कि मुस्लिम बहुल जम्मू सीटों पर भी प्रभाव है। दूसरी ओर कश्मीर घाटी में बीजेपी का प्रभाव बहुत कम या शून्य है। हालांकि पिछले सालों में बीजेपी ने जम्मू के दोनों हिंदू नेता और मुस्लिम जिलों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया। बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। घाटी में उसका प्रभाव कम है। इसे देखते हुए पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलना ना के बराबर है। हालांकि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और फिर छोटी पार्टियों और निर्दलियों की मदद से सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेगी। जैसा कि उसने 2014 में देखा गया कि 2024 के आम चुनावों में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 41 सीटों, एनसी 34, कांग्रेस 7, बीजेपी ने 29, पीडीपी ने 5, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी बीजेपी के सहयोगी ने 1 सीट पर बढ़त बनाई थी, जबकि इंजीनियर राशिद की पार्टी 14 सीटों पर बढ़त बनाई थी।